नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत सारा एप्लीकेशंस है जिसको हम हर जगह लगभग यूज़ करते हैं। सिर्फ आप ही क्लास में नहीं, आगे से ऊपर के सारी क्लासेस में हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हैं। इसका बहुत ब्रॉड एप्लीकेशंस होता है मैथमेटिक्स में। जैसे कि आपने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन होती है वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। आपका ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल्स के दो साइड के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्टेटमेंट में आपको गिवन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी एंड सी, डी एंड ई, दो आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब कहता है कि इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो है डी ई। तो गिवन में आपको जैसा यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दो इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन जो दिया है वह डी है। टू प्रूफ कहता है कि डी ई जो होगा वो पैरेलल टू बी सी है एंड दूसरा जो है डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है। अब देखते हैं कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जितना गिवन है उससे ये थ्योरम प्रूफ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रायंगल सिर्फ दिया हुआ है ए बी सी और सिर्फ उसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं। और जहाँ तक आप जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है अगर हमें इसे किसी के पैरेलल शो करना है, किसी के इक्वल शो करना है तो दो ट्रायंगल्स होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास कंग्रुएंसी की क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो करता है तब हम उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ कंस्ट्रक्शंस किया कि हमने यहाँ से सी ए पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया बी ए के और डी को क्या किया प्रोड्यूस किया जो लास्ट में एफ से मिलता है। अब इसे हम प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये दो ट्रायंगल मेरे पास आ रहा है ए डी ई एंड ई एफ सी। अभी दोनों ट्रायंगल में हम बढ़े तो हमें यहाँ शो कर रहा है कि ए ई इक्वल टू ई सी। ये क्या है, गिवेन है, ए ई इक्वल टू ई सी बाई गिवेन। फिर ये ए सी एंड डी एफ दो इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने पढ़ा है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है जो इक्वल होता है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ भी ये दिया हुआ है कि ए सी और ये डी एफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये और ये दोनों होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल ए ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ ई सी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम जानते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, अगर उसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ भी हमें ये दे रहा है कि ए बी और एफ सी ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं और ए सी इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल डी ए ई और एंगल ई सी एफ ये दोनों एंगल, ये डी ए ई और ई सी एफ ये दोनों एंगल एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहाँ दिखाया कि एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल ई सी एफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, एंगल डी ई ए एंड एंगल एफ ई सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए एंड ए ई इक्वल टू ई सी ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल जो होगा ए एस ए एंगल साइड एंगल्स कंग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो रहे हैं। कंग्रुएंट होने के कारण एंगल ए
ट्रायंगल ए डी ई एंड डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जा रहे हैं तो ए डी इक्वल टू एफ सी हो जाएगा एंड डी ई इक्वल टू ई एफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। अब हमें मालूम है इट इज़ गिवन दैट डी ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी और ये डी बी दिया हुआ है। क्यों? डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, तो ए डी इक्वल टू डी बी गिवन है। देयर फोर ए डी एफ सी के इक्वल है, ए डी डी बी के इक्वल है, तो डी बी भी एफ सी के इक्वल हो जाएगा और डी बी जो है पैरेलल हो गया एफ सी के। ये हमें कंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, जिसके कारण ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी बी सी एफ ये क्या बन जाएगा, डी बी सी डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये थ्योरम्स आपने पढ़ा है, यहाँ भी यही दिया हुआ है कि डी बी सी एफ में ये डी बी जो है वो एफ सी के इक्वल भी है और डी बी है एफ सी के पैरेलल भी है। इसलिए इस थ्योरम से डी बी सी एफ एक क्वाड्रिलेटरल जो था वो डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम अगर डी बी सी एफ प्रूफ हो जाता है तो हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। इसलिए डी बी सी एफ के साइड्स डी एफ जो होंगे वो बी सी के पैरेलल भी हो जाएंगे और बी सी के इक्वल भी हो जाएंगे। तो अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि डी डी एफ पैरेलल बी सी, तो डी ई पैरेलल बी सी। अब डी एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ है बी सी, तो डी एफ और बी सी इक्वल हो गए, तो डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। अब डी ई प्लस ई एफ को हम डी लिख सकते हैं, क्यों? डी ई इक्वल टू ई एफ, हमने इन दोनों ट्रायंगल को जब कंग्रुएंट किया था तो इसे इक्वल किया था कि डी ई इक्वल टू ई एफ, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि डी प्लस डी इक्वल टू बी सी। अब टू टाइम्स डी बी सी के इक्वल आ गया, देयर फोर डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो गया। तो हमने देखा कि डी जो था वो पैरेलल भी हो गया बी सी के और फिर डी जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी के भी इक्वल हो गया। इस तरह से हमने जो था इस थ्योरम को प्रूफ किया कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है किस तरह से किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो तीसरे के पैरेलल एंड हाफ कैसे होता है। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर इस मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर धन्यवाद बच्चों।